गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। ये डीआई कल हो चुका है, लेकिन कल की क्लास बीच में रुक गई थी, तो आज फिर से ये वाला डीआई मैं करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा फटाफट। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। कल ये हो चुका था, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं इसको फिर से करवा रहा हूं। तो यहां पर देखिए आप लोगों को क्या बोला है, टोटल पजल्स कितने हैं, 5200 हैं। अब 5200 में कुछ प्री के पजल्स होंगे, कुछ मेंस के पजल होंगे। तो आप लोगों को ये वाला जो कलर में दिया हुआ है ये प्री के पजल है, बाकी के जो होंगे वो मेंस के पजल होंगे। ठीक है, तो अब देखो 5200 का 34%, 5200 का 12%, 5200 का 10%, 5200 का 24% और 5200 का 20% आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बंदे ने कितने कितने पजल सॉल्व किए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है भाई, ये जो भी वैल्यू आएगी उसका 75% निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्री के कितने थे, तो मेंस वाले कितने हो जाएंगे 25%। यहां अगर प्री के 75 है तो मेंस के कितने हो जाएंगे 25%, यहां अगर प्री के 80 है तो 20% हो जाएंगे मेंस के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है आंसर। तो चलिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ प्री पजल सॉल्व बाय विधि इज अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पजल सॉल्व बाय ऑल द स्टूडेंट्स टूगेदर। तो ऑल द स्टूडेंट्स मिलकर कितने पजल सॉल्व कर रहे हैं भाई, 5200 कर रहे हैं। अब आपको बोल रहा है कि जो विधि ने सॉल्व किए हैं प्री पजल्स, तो विधि के प्री पजल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 10% का 80% कितना होता है, 10% का 80% कितना होता है, 8% होता है भाई। इसका 8% आप निकाल रहे हो, मतलब सीधा सीधा आंसर 8% हो गया ना भाई, करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भाई। आखिर आप इसका 8% पहले 5200 का 8% निकालोगे, उसको यहां पर लिखोगे, फिर उसके बाद उसको ऐसा करके सॉल्व करोगे, तो क्या मतलब है यार। पता चल रहा है ना कि डायरेक्ट 8% आ रहा है आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट। दीपांजन जी, टारगेट बैच अलग चीज है, वो मॉक टेस्ट जैसी चीज है, आप जैसे मॉक टेस्ट परचेज करते हैं वो अलग, वेबसाइट अलग है, उसका ऐप अलग है, वो इसमें नहीं है इंक्लूड, वो अलग चीज है। और दोस्तों एक चीज और आप लोगों को बताऊं, मैं ये 2200 वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बंद करने वाला हूं बहुत जल्द। लाइव क्लासेस जो मेरी हो रही हैं वो मैं बंद करने वाला हूं बहुत जल्द। मतलब इंडिविजुअल कोर्सेस आएंगे, पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, और जिन्होंने कोर्स लिया है उनकी क्लासेस होते रहेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना। आप लोग ने अगर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप सब्सक्रिप्शन की क्लासेस देख पाएंगे सारी, पर वो मैं बंद करने वाला हूं बहुत जल्द। हो सकता है इन फ्यूचर में पेड क्लासेस भी बंद कर दूं, सिर्फ टारगेट बैच ही चलेगा फ्यूचर में। क्लासेस मेरी जो भी होंगी लाइव, वो या तो यूट्यूब पे होंगी या फिर कुछ सोचा जाएगा। और चलिए 26 आंसर आ रहा है, देखो ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ द रेशियो ऑफ द फ्लोर बेस्ड पजल्स टू सर्कुलर पजल सॉल्व बाय विधि एंड शशि इज 3:1 एंड 2:1 रेस्पेक्टिवली, तो किसकी किसकी बात कर रहा है भाई यहां पर। ये देखो विधि और शशि की बात किया गया है, तो सबसे पहले यहां पर इनका नाम लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बोला गया है, फ्लोर बेस्ड पजल टू सर्कुलर पजल। ठीक है, फ्लोर वाले कुछ पजल होंगे, सर्कुलर वाले कुछ पजल होंगे, इसके भी फ्लोर वाले कुछ पजल होंगे, सर्कुलर वाले कुछ पजल होंगे। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि भाई विधि का कितना 3:1 का रेशियो है और इसका क्या रेशियो है 2:1 का एक रेशियो है। अब आपको बोल रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व बाय विधि एंड द नंबर ऑफ फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व बाय शशि, मतलब आपको ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक, अरे इधर ध्यान दो ना यार, बाद में बात करेंगे वो सब चीजें, इधर ध्यान दो पढ़ाई पे। अब देखो दोस्तों यहां पर आप लोगों को क्या करना है भाई, टोटल यहां पर बोला था इफ द रेशियो ऑफ द फ्लोर बेस्ड पजल टू सर्कुलर पजल सॉल्व बाय विधि, तो विधि का देखो टोटल कितना है भाई, यहां पर 10% है, टोटल आपको 10% दिख रहा है। अगर इस 10% को मैं 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं? यार सब लोग ना एक बात बोल दो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे थोड़ा वेट करो ना, बताऊंगा ना यार क्या है रीजन। रीजन है, बहुत सारे रीजंस हैं, बताऊंगा ना। ये हो चुका है? अरे हो चुका है तो ध्यान तो दे दो। अगर 10% को हम इसमें डिवाइड करते हैं 3 और 1 में, तो क्या क्या बनेगा भाई रेशियो विधि का? अगर मैं 10% को 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना चाहूं तो कैसे बनेगा भाई? टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 2.5। जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये वाला जो हो जाएगा 7.5% हो जाएगा, ये वाला 2.5% हो जाएगा। हो जाएगा सेम चीज। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई कौन है ये? शशि। शशि का देखो टोटल कितना दिख रहा है? 12%। तो अगर 12% दिख रहा है मुझे, इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है तो क्या करूंगा? टोटल को टोटल से डिवाइड करूंगा, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 2 यानी 8%। तो दोस्तों अगर यहां पर 8% ये वाली वैल्यू दिख रही है, 7.5% ये वाली वैल्यू दिख रही है, डिफरेंस आपको निकालना है तो डिफरेंस कितना दिख रहा है? 0.5%। 0.5 मतलब आधा परसेंट। तो ये देखो इसका 1% की वैल्यू 52 है, तो आधा परसेंट कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। खत्म आंसर। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पजल सॉल्व बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। एवरेज निकालना है आपको सीधा, 5200 का 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्री पजल सॉल्व बाय शशि एंड भूमिका? तो शशि के प्री जितने भी हैं, तो शशि के प्री निकालेंगे तो कैसे भाई? देखो 12 का 75%, 12 का 75% कितना होता है? 9 होता है। और देखो भूमिका का, देखो तो भूमिका का 20% का 80% यानी 16%। तो आप दो, आपको पूछा है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 16 और 9 का डिफरेंस क्या है? 7%। 7% आप इसका निकाल दो, यानी कि 52 × 7। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं भाई? देखो आप लोग डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल सकते हो, वैल्यूज की जरूरत नहीं होती है जिनको। ये सब मैं शुरुआती क्लासेस में बता चुका हूं, जिसने नहीं देखा है जरूर देखेगा। 12 का 75% कितना होता है? 12 का अगर मैं 75% निकालना चाहूं तो ऐसे ही निकलता है ना, 25 से काटोगे 3, 25 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 3, तो 3 × 3 = 9, 9%। सेम चीज इसका निकालो, 20 का 80% कितना होता है? 20 का 80% कितना होता है? 20 से काटोगे 4, 20 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 4, 4 × 4 यानी 16%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 7%। ये 7% आप वैल्यू निकाल दो इसकी, हो गया आंसर आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन्स पजल सॉल्व बाय प्रणव एंड निशान टुगेदर टू द नंबर ऑफ मेन्स पजल सॉल्व बाय विधि एंड शशि टुगेदर। ये आप लोग बनाओगे, अब मैं ऑलरेडी कल बता चुका था बट फिर भी आप लोग बनाओगे अब इसको, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये कल नहीं हो पाया था तो अब इसको करते हैं फटाफट। दोस्तों रीजन क्या है? देखो मैं बता रहा हूं, रीजन ये है कि अगर मुझे कुछ भी डिफरेंट करना है, या अगर मान लो मुझे किसी मतलब कोई और, जैसे ऐप में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है, अगर मुझे कोई और अच्छा कुछ बनाना है ऐप या वो, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मान लो अगर मैं 4 महीने बाद सोचता हूं कि भाई मैंने एक नया ऐप लॉन्च कर दिया, तो अब आप लोगों को फिर उधर ट्रांसफर करना, मतलब वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। इतने सारे स्टूडेंट्स, किसका कितने दिन का वैलिडिटी बचा है, ये सब उनको पूरा उधर नए ऐप में ट्रांसफर करना है, पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से क्या है, सब्सक्रिप्शन वाला क्या है, खत्म कर देने से रीजन पूरा वो खत्म हो जाएगा। लास्ट कोर्स जो भी मेरा आएगा 8 मंथ जैसे ही आप लोगों के कंप्लीट होंगे,
उसके बाद मैं चाहूं तो मैं सीधा सीधा नया सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू कर सकता हूं कहीं पर भी, कि भाई अगर आपको लेना है तो आप उस पर आकर ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। तो रीजन वो है कि मतलब सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाता है ना कि मैं बंध जा रहा हूं, मतलब अगर आज कोई कोर्स लेता है तो 8 महीने तक उसको मुझे पढ़ाना है, यहीं पढ़ाना है। तो ये चीज को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सब्सक्रिप्शन बंद करके जो इंडिविजुअल कोर्सेज आते हैं ना, कि हाँ एक कोर्स DI का आ गया 499 का, मेंस लेवल रीजनिंग का आ गया 399 का, या जो भी है, ऐसे कम कम प्राइजेस के कोर्सेज रहेंगे, ज्यादा कुछ वो नहीं रहेगा, और वो भी उनके लिए रहेगा जो नहीं लिए हैं सब्सक्रिप्शन अभी। सब्सक्रिप्शन मॉडल को मैं बंद करने वाला हूं बहुत जल्द। आप लोगों की क्लासेस 8 मंथ तक चलती रहेगी, जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक वो चलते रहेगा। मतलब जिस दिन मैं क्लोज करूंगा ना, जैसे मान लो अगर मैंने 15 अगस्त को बंद किया, तो 15 अगस्त से 8 मंथ तक चलेगी क्लासेस, जिन्होंने ले लिया होगा उनकी क्लासेस तो चलती रहेंगी। जो पहले से ही टारगेट लिए वो क्या करें? श्वेता जी अपडेट हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो, सारी चीजें उसी में अपडेट होंगी। चलो यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैं कल समझा चुका था, बट फिर से एक क्वेश्चन हो चुका था, बाकी नहीं हो पाए थे। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, डोनट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड डिफरेंट पार्क्स, कितने कितने पर्सन ने कौन कौन से पार्क विजिट किए हैं वो आपको यहां पर बता दिया है। डिफरेंस बिटवीन टोटल पर्सन विजिटेड पार्क डी एंड पार्क ई 3200। तो भाई डी और ई का 3200 दे दिया है, मतलब ये देखो डी आपको यहां पर दिख रहा है, ई आपको यहां पर दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको बोल रहा है कि 3200 है, मतलब 4% की वैल्यू जो होगी वो 3200 होगी, यही होगा भाई। डी और ई का डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है मतलब कि 16% और 12% का डिफरेंस क्या होता है, 4%, 4% की वैल्यू 3200, मतलब 1% की वैल्यू 800। समझ में आया, 1% की वैल्यू 800, अगर 1% की वैल्यू 800 तो 100% की वैल्यू 80,000। मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो है ये 80,000 का है, ये पूरा डोनट चार्ट जो है वो 80,000 का है, ठीक 80,000। अब देखो दोस्तों आपको आगे क्या बोल रहा है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं 36,000, अगर मेल 36,000 है इसमें से तो 44,000 फीमेल्स हो जाएंगी, अगर मेल 36,000 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 44,000। अब दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। अच्छा यहां पर दोस्तों परसेंटेज ऑफ मेल बता दिया कि भैया मेल कितने परसेंटेज है, ए में अगर 20% है तो 20 का कितना परसेंट मेल है वो आपको बता दिया है कि कहां कहां पर कितने कितने, एक बार मैं टोटल करके देख लेता हूं दोस्तों, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अच्छा ठीक है, ये उसका नहीं निकालना है हमको, ये हमको टोटल वाले से निकालना है, टोटल मेल 36,000 से ये परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। ये शायद मैं कल गलत कर दे रहा था, उसी समय क्लास खत्म हो गई थी, ये शायद मैं कल गलत कर रहा था, मैं इसका परसेंटेज निकाल दे रहा था, मतलब अगर ए का 20% दिया तो मैं उसका 25% निकाल दे रहा था, ऐसी कर रहा था क्या, एक बार बताइए जो लोग कल की क्लास में थे। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन पार्क डी सी ई टुगेदर। तो डी सी और ई के टुगेदर क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो डी सी और ई को देखो, सी डी और ई तीनों मिलाकर अगर हम देखें तो कितना हो जाता है 20, 30, 40, 50, 52, 52% आपको निकालना है 80,000 का, मतलब 80,000 का आपको 52% निकालना है, तो आपको सीधा सीधा 52 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो लगा दो, 52 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो लगा दो, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी टोटल। इसका डिफरेंस किसके साथ निकालना है, एवरेज ऑफ मेल्स इन पार्क बी ए सी एफ, तो बी ए सी एफ मतलब ये दोनों को छोड़कर 10, 20, 25 को छोड़कर बाकी पूरा, तो 25 को छोड़कर बाकी पूरा कितना बचता है 75% बचता है, तो 75% अगर मुझे 36,000 का निकालना है, 36,000 का मुझे 75% निकालना है,
और उसके बाद उसका एवरेज करना है, मतलब मैं चार से डिवाइड करूंगा भाई, चार है तो चार से ही तो डिवाइड करूंगा ना, तो चार से डिवाइड कर दो भाई, ये नौ हो गया, 9 × 75 करके जीरो लगा लेना। तो यहां पर लिख देते हैं 9 × 75, या कर लेते हैं 9 × 5 = 45, चार कैरी 9 × 7 = 63, 63 और 67, 67,500, ठीक है। और 60, एक मिनट रुक जाओ, मैं वो देख ले लें दो, 36,36,00 आएगा, ठीक है, 10 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, तो ये 6,750 हो जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों, ऊपर वाला जो था इसका भी टोटल कर लेता हूं मैं, 8 × 8 = 16, एक कैरी, 8 × 5 = 40 और 1 = 41, 4 × 1 = 60, इसमें 2 आएंगे, तो 41,600 में 6,750 को माइनस कर दो, 0, 5, 15 में 7 गया, 8, 0, 10 में 6 गया, 3850, ये वाला आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ठीक है, सही है। तो कल मैं गलती कर रहा था यार, क्लास में क्यों नहीं आए यार आज लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन विच पार्क इज मिनिमम, कौन से पार्क में डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल जो है वो सबसे कम है। कौन सा हंसी वाला पार्ट यार, कल तो मैं पूरा नींद में था, नींद में पढ़ा रहा था मैं, 3-4 दिनों से नींद पूरी नहीं हुई थी, कल ऐसा सोया हूं मैं दिन भर, और क्लास के बाद भी जो नींद मुझे आ रही थी क्या ही बताएं। टारगेट बैच में अनलिमिटेड लिखा है वो क्या है, अनलिमिटेड लिखा है यार मतलब कि उसमें अनलिमिटेड पीडीएफ आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जब तक आप टारगेट बैच आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक उसमें नए नए पीडीएफ डेली ऐड होते रहेंगे, हर 1-2 दिन 3 दिन में ऐड होते रहेंगे। अभी क्या होता है कि कुछ एक साथ अपडेट हो जाता है, फिर हफ्ते हफ्ते थोड़े थोड़े आते हैं, उसमें ऐसा है कि हर 1-2 दिन 3 दिन में आते रहेगा। शीतल जी क्या हो गया अभी, ग्रुप में बॉयज बस मजाक ले रहे हैं, मजाक क्यों कर रहे हो भाई, सीरियसली बात करो। इसका दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं, देखो आपको क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन विच पार्क इज मिनिमम, कौन से पार्क में मेल और फीमेल का डिफरेंस जो है वो सबसे कम होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये तो काफी कैलकुलेटिव हो गया है, कोई तरीका है किसी के पास निकालने का। चलो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको आखिरी में करते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि डेटा निकलते जाएगा तो उसी को यूज करते जाएंगे। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, मैं तब तक सोचता हूँ कुछ, शायद उसमें कुछ 36, 44
भाई कोई ऐसी लड़की है जो दिल्ली से यूपी एग्जाम देने जा रही है, तो एक बार शीतल जी को मैसेज कर दो, उनको प्रॉब्लम हो रही है। जो भी दिल्ली की कोई अगर कोई लड़की हो जो जा रही है यूपी एग्जाम देने के लिए, तो शीतल जी से कांटेक्ट कर लीजिए। टारगेट बोल रहा हूँ, जो डाउट डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर आप कांटेक्ट उनसे कर लीजिए। सिर्फ लड़कियाँ ही करना भाई, ठीक है? लड़की बन के मैसेज मत कर देना। कैसे निकालेंगे यार पिछला वाला क्वेश्चन का? क्या था क्वेश्चन पिछला वाला? डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन विच पार्क इज मिनिमम, कौन से पार्क का डिफरेंस जो है वो मिनिमम है? 25% मेल हैं। अगर मैं इसको 900 मान लेता हूँ, इसको 1100 मान लेता हूँ, तो 900 का 25%, इसका 75%, 25, 75 मतलब 9 × 25, 11 × 75 ये हो जाएगा 225, 925 मतलब 600, सीधा सीधा 50%। ये बहुत बढ़िया तरीका था यार, भूल रहा हूँ मैं। इसका आंसर काफी लोगों का आ गया, अगर आंसर आ गया है दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग बनाइए। मैं कुछ उसका तरीका था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तब तक आप लोग आगे का क्वेश्चन बनाते जाइए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वेट करना ठीक है? 1100 डिफरेंस निकालना था ना हमको। परसेंट की वैल्यू 12 हो रही है, मतलब 25, तेरह बाय बारह आंसर दे रहे हैं काफी सारे लोग। जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है भाई, आगे बढ़िए। 50, 60, 80, और जिनका नहीं आया वेट करिएगा। इसमें कितना है? 35, 35, 35, 70, 13.33 मतलब कि 30, 36
ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका था, मैं भूल गया था उस चीज को, अब याद आया फाइनली। ठीक है ध्यान दीजिएगा, देखो बता रहा हूँ जितने भी लोग हैं ये, इसमें ना निकालने की जरूरत नहीं थी आपको। कितने लोग हैं जो पूरा वैल्यू निकाल निकाल के किए थे, यस लिख दीजिए। जो लोग पूरी वैल्यू निकाल निकाल कर किए थे वो लोग यस लिख दीजिए। इसका जो तरीका होता है ना सॉल्व करने का, इस टाइप का, डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन विच पार्क इज मिनिमम, आप लोगों को याद होगा बहुत पहले मैंने एक डीआई करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था 50 से जितना कम है उसका डबल कर दो, 50 से जितना कम है उसका डबल कर दो। तो देखो ये 50 से कितना कम है, 25 कम है, 25 का डबल 50 कर दो। ये 50 से कितना कम है, 33 समथिंग, 33.33, ये 33.33% कम दिख रहा है आपको? चलो बहुत अच्छी बात है, ये 33.33% कम दिख रहा है आपको, तो इसको अगर आप डबल करते हो तो कितना हो जाएगा? या आप ना एक काम करो, 50 से कितना कम है सिर्फ वो देख लो, 50 से कितना कम है उस चीज को देख लो आप पहले। ये 50 से कितना कम है, 25, ये वाला कितना कम है भाई, 33.33, ये कितना कम है, 30, ये कितना कम है, 40, ये कितना कम है, 35, और ये कितना कम है, 36.67। ठीक है, अभी भी गलत हो रहा है यार, 35-15 क्या तो था यार, अच्छा खासा दिमाग में आया था। डिफरेंस जो होता है वो होता है 50 का, 50 से जितना कम है उसका डबल, वो हो जाता है डिफरेंस। 25 का डबल यानी 50 का डिफरेंस आएगा, 50% का, 33.33% का डिफरेंस, मतलब कि डबल कर देंगे इसको तो 66.67, और 30, 20, 30, 60%, 40 है तो 80%, 35 है तो 70%, 36, 36, 72, 73.67% अप्रॉक्स, 33। क्या गड़बड़ हो रहा है यार, हाँ परसेंटेज ऑफ मेल है उसी से रिलेटेड था यार, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त ट्रिक थी वो, इसीलिए ना मैं बोलता हूँ ट्रिक के पीछे मत भागो, क्योंकि ट्रिक ना याद नहीं आती है समय पे। मतलब वो ऐसी चीज थी कि आप तुरंत निकाल लोगे आंसर, आपको कुछ भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रहा है माइंड में। चलो छोड़ो ये वाले क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को रहने दो, एक क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, याद आएगा जैसे ही, तो टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि कल के 3 क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और करना है। तो ये वाले में देखो दोस्तों, इसका आंसर कितना आ रहा है, सभी का बी आ रहा था आंसर, सभी का बी आ रहा था, एक बार बता दीजिए ताकि चेक कर लेंगे जो लोग सॉल्व कर लिए हैं। करिश्मा जी आप क्लासेस कंटिन्यू देखिए तभी आपको समझ में आएंगी चीजें, वरना नहीं आएंगी। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो दोस्तों क्या बोल रहा है यहां पर, इफ 12% पर्सन इन पार्क बी, पार्क बी की बात कर रहा है, इसमें से बोल रहा है कि जो 12% पर्सन है, 25% पर्सन इन पार्क डी, डी वाले के 25%, ठीक है, इस वाले के 12% आर फीमेल चाइल्ड, यानी कि गर्ल्स है, आर फीमेल चाइल्ड गर्ल्स, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फीमेल एडल्ट इन पार्क बी डी टूगेदर एंड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड ऑल पार्क। लॉन्ग में बता दो, अरे लॉन्ग में तो पूरा वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, उतना थोड़ी करोगे, वो तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, वो तो फिर स्किप वाला हिसाब हो जाएगा। चलो इधर ध्यान दो, क्या बोला है भाई यहां पर, इफ 12% पर्सन इन पार्क बी, पार्क बी के 12% जो लोग हैं और 25% जो पर्सन है पार्क किसके डी के, वो फीमेल गर्ल्स हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, गर्ल्स हैं भाई। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि मेल और फीमेल हैं, उस मेल और फीमेल में से आपको ये क्या बोला गया है भाई कि फीमेल में दो टाइप के लोग होंगे, एडल्ट्स और चाइल्ड, यहां पर भी दो टाइप के लोग होंगे, एडल्ट्स और चाइल्ड,
मेल में। तो अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फीमेल एडल्ट्स इन पार्क बी एंड डी। तो यहां पर बी और डी को लिख लेते हैं, बी और डी के एडल्ट्स फीमेल आपको निकालने हैं, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को साथ में ऐड करना है। एंड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑल पार्क्स, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑल पार्क, तो पूरे पार्क विजिट करने वाले जो मेल हैं कितने थे भाई, यहां पर दिया हुआ है ये देखो 36,000। तो क्या बोला है आपको, एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड ऑल पार्क, तो पूरे कितने, एक दो तीन चार पांच छह, छह से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 के साथ आपको डिफरेंस निकालना है इन दोनों वैल्यूज का, हाँ या ना, समझ में आया ये चीज, पूरा लिख के बता दिया हूं भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बी की अगर फीमेल आपको पता चल जाए, बी की आपको फीमेल पता चल जाए, उसमें से आप चाइल्ड को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, आएगा। दूसरा यहां पर ये वाले में देखो भाई, इस 16% में से 25% क्या है, परसेंट इन पार्क डी आर फीमेल चाइल्ड, जो कि गर्ल्स है, ऐसे लेवल की डीआई किसी और टीचर के पास मिलेंगे नहीं, वो तो है, सही बात है। तो क्या बोल रहे दोस्तों, 25% अगर इसका बोल रहा है कि क्या है 25%, पहले आपको 25% निकालना पड़ेगा भाई। ये 16 मैं ना वैल्यू से निकाल के बता देता हूं, परसेंटेज से तो जिसको आता है वो निकाल ही लेगा, ऐसे में क्या है ना, जो एकदम बिगिनर लोग हैं वो कंफ्यूज होते रहेंगे। तो परसेंटेज से तो जिसको आता है भाई आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 15 का 12% निकालना है आपको, 15 का 12% निकालोगे मतलब कितना हो जाता है भाई, 1.5 और 15 15 30, यानी कि आपका हो जाएगा 1.8 होगा। ये क्या हो रहा है यार, कहां चला गया, हाँ तो ये देखो दोस्तों, यहां पर अगर आपको बोला था कि इसके 12% निकालना है तो 12% जो परसेंटेज से कर रहे हैं आप डायरेक्ट निकालिए, ठीक है, लेकिन मैं उनके हिसाब से बता रहा हूं जिनको चीजें नहीं समझ में आ रही है। सबसे पहले तो ये देखो कि बी का जो टोटल 80,000 का ये पूरा चार्ट बना है हमारा, ठीक है, वैल्यू हमने शुरुआत में ही निकाल के मैंने आपको बता दिया था कि कैसे निकाले हैं। अब इस 80,000 में अगर आपको 15% निकालना है तो कितना होगा, 8,4 12 12,000 हो जाएगा, ठीक है, 12,000 हो जाएगा। अब इस वाले में देखो भाई, डी कितना है, 16% है, अगर मुझे इसका 16% निकालना है भाई, 15% निकला है 12,000, 15% निकला है 12,000, इसका 1% कितना है, 800, तो 12,000 में मैं 800 ऐड कर दूं तो 16% मुझे 12,800 मिल जाएगा ना। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या बोला था, 12% पर्सन इन पार्क बी, पार्क बी के 12%, तो इसके 12% आपको निकालना है, तो 12,000 का 12% कितना होता है, 12 12 144, यानी कि ये होगा। सेम चीज यहां पर देखो, इसका कितना बोला है 25%, तो इसका अगर मुझे 25% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3,200, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से ये 3 बार गया, ये 2 बार गया और 2 0, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई डी वाले जो गर्ल चाइल्ड है वो 3200 है और जो बी वाले गर्ल चाइल्ड है वो 1440 है। अब दोस्तों, बी और डी के अगर मैं मेल की बात करूं तो बी के मेल कितने दिख रहे हैं आपको, 1/6, इसका मतलब 1/6 होता है, तो बी के मेल अगर 1/6 है किसका, 36,000 का, मतलब कि 36,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 6,000 आ जाएगा। अगर ये 6,000 मेल हैं टोटल, यहां पर भाई मेल कितने दिख रहे हैं आपको, 6,000 दिख रहे हैं, ठीक, फीमेल आप निकाल सकते हो टोटल से। दूसरी चीज देखो भाई, बी के अलावा कौन सा था, डी का था, डी का भी निकाल लेते, 10%, तो 36,000 का 10% कितना होगा, 3600, ये मेल है। अब देखो बी और डी का टोटल देखो, मैं पूरा एकदम लेंथी मेथड बता रहा हूं, जो नॉर्मल, जो बेसिक, जो बिगिनर लेवल वाले उनके लिए। यहां पर देखो दोस्तों, बी का अगर मैं टोटल देखता हूं तो 15% मतलब कितना हो जाता है, टोटल 12,000 होता है भाई। बी के 12,000 में से अगर 6,000 मेल्स हैं तो फीमेल्स कितनी होंगी, बी के टोटल 12,000 में अगर 6,000 मेल्स थे तो फीमेल्स कितनी होंगी, 6,000 होंगी। तो अगर इसकी टोटल फीमेल्स 6,000 है तो उसमें आप 1440 जो बच्चे हैं उनको माइनस कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि फीमेल गर्ल्स कितनी हो गई, पता चल जाएगा ना। सेम चीज यहां पर देखो, 3600 भाई, टोटल कितने लोग हैं, 12,800 लोग थे डी में, टोटल 12,800 लोग थे, उसमें से 3600 मेल है, तो फीमेल कितनी, 12,800 में से अगर 3600 फीमेल्स हैं, सॉरी मेल्स हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 200 और ये गया तो 9200, तो 9200 यहां पर टोटल फीमेल्स है, जिसमें से ये 3200 बच्चे हैं, तो बाकी के जो बच गए वो एडल्ट्स होंगे, तो दोनों से एडल्ट निकल जाएंगे आपके,
हाँ या ना, बहुत बढ़िया डीआई है भाई, दिमाग लगाने वाला। आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, अभी कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। ये सीधा सीधा बोला जाए तो आपके आरआरबी क्लर्क मेंस का सवाल है एक तरीके से। आरआरबी क्लर्क मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कैलकुलेटिव और इजी भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे ही कैलकुलेटिव आएंगे। तो जल्दी बताओ भाई, 6000 में अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना होता है? 4560 होता है। 9200 में 3200 माइनस करूं तो 6000 होता है। तो दोस्तों अगर मुझे यहां पर ये 6000 6000 दिख रहा है तो 4560 बनना चाहिए यार, आंसर क्यों गलत हुआ? हमको तो डिफरेंस निकालना था ना, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मेल एडल्ट्स इन पार्क बी एंड डी टुगेदर। गलत क्यों आ रहा है आंसर दोस्तों? आपका आंसर क्या आ रहा है और मैंने कहां पर गलती कर दी? कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है मैंने, क्या कर दिया है सोचो, मतलब देखो। अब समझाए तो समझ आ गया, अच्छी बात है। कुछ मैंने गलत कर दिया दोस्तों। 12% पर्सन इन पार्क बी, लेंदी तो है। पैतालीस साठ आ रहा है सभी का, ऑप्शन गलत है मतलब। टोटल मेल की एवरेज, हाँ तो वही तो निकाले ना, टोटल मेल की एवरेज कितनी भाई, मेल कितने हैं? 36,000, उसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? एंड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड ऑल पार्क। सही है ना आंसर मेरा? 4560 आ रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं। मतलब हो सकता है ऑप्शन गलत होगा, चलो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, काफी लोगों को समझ में नहीं आया है दोस्तों। एकदम एकदम बेसिक लेवल, सब भूल जाओ, पूरा दिमाग को अभी अपना क्लीन कर दो, ठीक है? अब ध्यान देना इधर, अब पूरा एक एक डेटा आपको समझ में आने लगेगा, शुरू से बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। आपको क्या बोला है यहां पर? डोनट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग पार्क। तो ये जो आपको दिया है ना, ये टोटल पर्सन का बताया कि भाई कितने कितने लोग पार्क को विजिट कर रहे हैं। तो इस टोटल, आप टोटल तो आपको पता होना चाहिए, तब तो आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। तो वो कैसे पता चलेगा? वो यहां पर लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टोटल पर्सन विजिटेड पार्क डी एंड पार्क ई इज इक्वल्स टू 3200। डी वाले और ई वाले का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना दिख रहा है? 4%। इसकी वैल्यू 3200 के बराबर है, ये बोल दिया है। तो मैंने आप लोगों को एक गाना बताया था कि भाई जो दिया है 3200, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज बताया था मैं आपको, भाई 100 क्यों निकाल रहे हैं? हमको पूरा टोटल पता होना चाहिए उस पाई चार्ट का। तो अगर पूरा 100 है तो इसको अगर मैं काट दूं तो ये 800 होता है, 800 इंटू 100 करोगे तो 80,000 हो गया। मतलब इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 हो गई। अब दोस्तों पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 80,000 हो गई और फीमेल, यहां पर देखो मेल कितने बता दिया? 36,000 मेल है, तो यहां पर लिख देते 36,000 मेल है। अगर मेल 36,000 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 44,000 हो जाएंगी, हो जाएगी। समझ में आया? अब देखो दोस्तों यहां पर क्या करना है, आपको बी और डी की बात किया गया है तो बी और डी का ही हम डेटा यहां पर देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, बी का टोटल निकालते हैं, फिर उसके मेल निकालेंगे, फिर उसकी फीमेल निकालेंगे, ठीक? पहले तो बी का टोटल निकाल लो भाई। बी का टोटल कितना? 15%, 80,000 का मतलब कि 12,000। डी का देखो भाई, 16% निकालना है तो 12,800। ये तो टोटल निकल गया, यहां से निकाल लिया हमने ये 16% और ये 15%, ठीक? अब देखो अगर मैं मेल की बात करता हूं तो भाई मेल कैसे निकलेंगे बी के? ये देखो, ये बी के मेल कैसे निकलेंगे? 1/6 करके। तो 1/6 करके मतलब कि भाई मेल का 1/6 करना है आपको। मेल कितने थे? 36,000। 36,000 का 1/6 करोगे तो 6,000 आएगा। अगर मेल 6,000 है तो फीमेल 6,000 हो जाएगी, हो जाएगी।
अब उसके बाद देखो दोस्तों, ये डी वाले में 10% जो है वो मेल्स हैं। भाई 3600 का 10%, 36000 का 10% कितना होता है? 3600, इतने मेल्स हैं। तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? 9200। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से। अब यहां पर क्या बोला, इफ 12% persons इन पार्क बी, 25% persons इन पार्क डी आर फीमेल चाइल्ड गर्ल्स, ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फीमेल एडल्ट्स इन पार्क बी एंड डी टूगेदर एंड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड ऑल पार्क्स। तो भाई टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड ऑल पार्क्स का एवरेज निकालना है। भाई पूरे पार्क में जाने वाले मेल्स कितने थे? 36,000। इसका एवरेज निकालना है। भाई 6 है जगह जहां पर मेल्स जा रहे हैं, 6 पार्क में जा रहे हैं, तो 36,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 6,000। मतलब आपको जो डिफरेंस निकालना है वो किसका किसका निकालना है? 6,000 माइनस ये दोनों जगह की एडल्ट फीमेल का, ठीक है, एडल्ट फीमेल का निकालना है। तो अब देखो दोस्तों, यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आंसर 6180 आ रहा है अगर हम इसको फीमेल मान लें, तो फिर वो टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक मतलब इफ 12% पर्सन, तो ये पर्सन की जगह फीमेल्स बोलना चाहिए। इफ 12% फीमेल्स इन पार्क बी, ठीक, 25% फीमेल्स इन पार्क डी आर फीमेल चाइल्ड गर्ल्स। तो वो 12% फीमेल का अगर आप निकालोगे और 25% फीमेल का आप निकालोगे, तब आपका आंसर 6180 आ रहा है, ऐसा कुछ लोग का कहना है। तो मे भी हो सकता है वैसी कुछ गलती हो, वरना हमने जो आंसर निकाला था वो सही निकाला था। समझ में आया? अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर मैं एक बार आपको यही बता के चलता हूं कि भाई टोटल पर्सन की बात हो रही है, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो 12% पर्सन इन पार्क भी बी के 12%, मतलब देखो टोटल का 12% अगर आप निकालोगे तो वो कितना हो जाता है? इस फीमेल से दो टाइप की फीमेल्स होंगी भाई, एक एडल्ट और एक चाइल्ड। यहां पर भी देखो दो टाइप की फीमेल्स होंगी, एक एडल्ट एक चाइल्ड। तो आपको बोल रहे हैं टोटल का 12%, क्योंकि यहां पर पर्सन लिखा है, इसलिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूं। तो क्वेश्चन में पर्सन बोला है, मतलब कि 12% पर्सन इन पार्क बी, तो इसका 12% अगर आप निकालते हो तो 12 12 144, मतलब कि 1440 ये हो गया, ये बच्चे थी, मतलब फीमेल गर्ल चाइल्ड है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है आगे, यहां पर 25% पर्सन इन पार्क डी, तो पार्क डी के टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? 12 800। इसका अगर मैं 25% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 3200। तो दोस्तों अगर 9200 में से जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब गर्ल की बात हो रही है, फीमेल्स की बात हो रही है, उनमें से बच्चे 3200 हैं, तो 6000 एडल्ट्स हो गए। यहां 6000 में से अगर 1440 बच्चे हैं तो 4560 एडल्ट्स हो गए। तो आपको बोला ये दोनों एडल्ट्स का टोटल इस 6000 के साथ आपको माइनस करना है। तो भाई ये 6000 से ये 6000 कट जाएगा, जो बच गया वही तो आपका आंसर बन रहा है 4560। बट क्वेश्चन में क्या है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का क्या, वो आंसर आ रहा है उस हिसाब से, मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है, हो सकती है भाई मिस्टेक, ठीक है, टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार। तो उसके अकॉर्डिंगली एक बार बनाकर देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। हमने जो आंसर निकाला था सही निकाला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अगर हम उस चीज को माने कि भाई ये पर्सन की जगह फीमेल्स, तो क्या बोल रहा है? 12% फीमेल्स इन पार्क बी, तो पार्क बी की फीमेल्स जो है इसका 12%, मतलब 12 6 72 720 हो गया, 720, तो 5280 ये हो जाएगा एडल्ट्स। अब हो रहा है इस वाली फीमेल्स का 25%, तो भाई इसका 25% निकालना है तो आप उसको क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 से डिवाइड करेंगे मतलब कितना हो गया? 4 2 8, 4 3 12, 0 0। इसमें अब मैं 2300 को अगर कम करता हूं तो 6900 हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, ये 5280 और 6900 का टोटल में से आपको 6000 माइनस करना है। तो भाई ये 6000 से ये 6000 कट गया, 900 को इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 6180। तो ये आपका आंसर बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब कि क्वेश्चन में गलती है, गड़बड़ है। यहां पर पर्संस की जगह फीमेल होना चाहिए, यहां पर भी पर्संस की जगह फीमेल होना चाहिए, ठीक, समझ में आया? तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, यह भी पता चल जाता है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो। समझ में आया भाई? एकदम बेसिक से बता दिया हूं मैं पूरा, एक एक निकाल कर डेटा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन पार्क बी एंड पार्क ए टूगेदर टू द मेल इन पार्क सी एंड एफ टूगेदर। तो अब देखो दोस्तों, बी ए यहां पर क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन पार्क बी। तो भाई बी की फीमेल तो आपने अभी निकाली थी, ये देखो यहां पर बी की फीमेल कितनी है? 6000 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 6000। अब ए की फीमेल निकालनी, तो ए की फीमेल कैसे निकालोगे? भाई ए का टोटल निकाल लेते हैं, 80000 का 20%, मतलब 16000, ठीक है।
उस 16,000 में से 25% किसका, 36,000 का 25% मतलब 9,000 मेल्स हैं, तो 16 में अगर 9,000 मेल्स हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी ए में, 7,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 और 6 13 हो गया, तो 13 वाला आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर, आगे करने की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दिस होगा तो आप आगे करके देख सकते हो। ठीक है, ये देखो 6 और 7 13 होता है ना, 0 से 0 तो कट ही जाएंगे, तभी तो ये 13 तक दिया, इतनी छोटी वैल्यू दिया मतलब 0 0 कट जाएंगे सारे, क्लियर है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फीमेल इन पार्क सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पर्सन इन पार्क ए, नंबर ऑफ फीमेल इन पार्क सी, सी की फीमेल निकालनी, कैसे निकालोगे, पहले सी का टोटल निकालो, सी का टोटल कैसे निकालोगे भाई, देखो ये 16% कितना था हमारा, 12,800 था, 16 का आधा 8 अगर ऐड कर दे तो 24 होता है, 16 का डेढ़ गुना होता है ना, मतलब इसका आधा में इसमें और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 19,200 हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा 19,200 टोटल सी का। ठीक है, निकाल के देख लो। अब उसके बाद देखो सी में कितने मेल हैं भाई, 20%, तो 20% मतलब 36,000 के 20%, 36,000 के 20% मतलब 7200। अब अगर 19,200 में से 7200 मेल्स हैं मतलब 12,000 फीमेल्स होंगी, तो बोले नंबर ऑफ फीमेल्स इन पार्क सी यानी कि 12,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पर्सन इन पार्क ए, तो पार्क ए के टोटल पर्सन कितने, 8 × 16, 16,000 मतलब 12 जो है वो 16 का कितना परसेंट है भाई, 3/4 होता है, 3/4 मतलब 75% होता है, आंसर आ गया, खत्म। पहले क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन यार मुझे अभी भी ना वो याद नहीं आ रहा, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन विच पार्क इज मिनिमम, कुछ उसका था तरीका बहुत जबरदस्त वाला, वो याद करके मैं बताऊंगा आपको। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, है ये तो सेम क्वेश्चन है यार, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, चलो इसको बनाओ। कोमल जी आईफोन के लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है भैया, बिगनर्स को मेंस का मॉक टेस्ट देना चाहिए, नहीं डर जाओगे, मेंस की क्लासेस देखो बस, अभी धीरे धीरे सीखते जाओगे उसके बाद देना। पंद्रह सौ आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, चलो देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या दिया हुआ है आपको। टेबल शोज द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, टेबल शोज द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, फ्रॉम स्टडी प्लेटफॉर्म्स इन 3 different exams इन 2015। 2015 में 3 different exam है, IBPSPO, RRBPO, SBIPO, तो कौन सी जगह से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसके बारे में डेटा आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर वन में, इन स्मार्ट कीड़ा द परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन SBIPO इज मोर देन नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन RRBPO
इज हाफ ऑफ परसेंटेज बाय विच नंबर द स्टूडेंट सिलेक्टेड इन SSC इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन SSC. कहां से आ गया यार? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक, मैं कंफ्यूज हो गया था. क्या बोल रहा भाई? देखो, इन स्मार्ट कीड़ा द परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन SBI PO इज मोर देन नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन RRB PO. द परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन SBI PO इज मोर देन नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन RRB PO. तो किसकी बात कर रहा है? स्मार्ट कीड़ा की बात कर रहा है. आपको क्या बोल रहा है कि SBI PO में इज मोर देन नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन RRB PO. तो SBI PO में RRB PO से कितने ज्यादा दिख रहे हैं आपको? 25% ज्यादा दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना 25% ज्यादा. भाई ये देखो, ये 600 से कितना ज्यादा दिख रहा है? 150 ज्यादा दिख रहा है. तो 150 जो है वो 600 का कितना परसेंट होता है? 25% होता है. अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इज हाफ ऑफ परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन SSC इज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन IBPS PO. तो IBPS PO यहां पर अगर आपको 1000 दिख रहा है, तो बोल रहा है कि भाई ये वाला जो परसेंटेज है वो IBPS PO से जितने SSC वाले ज्यादा हैं, जितना परसेंट, उसका आधा है. मतलब IBPS PO से 50% ज्यादा होंगे SSC वाले. तो भाई 1000 से 50% ज्यादा मतलब 1500 आंसर आ गया. समझ में आया? सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? हाँ, पीओ में तो आते हैं. SBI PO, IBPS PO में आते हैं, मेंस में, मेंस बोल रहा हूँ, प्री में. समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर से बता रहा हूं, आपको बोला क्या है ना, मैं अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं. ये आपको जो लैंग्वेज बोल रहा है ना, ये आपको शायद ना समझ में आई हो. वो बोल रहा है कि स्मार्ट कीड़ा में RRB PO से SBI PO वाले जितना परसेंट ज्यादा हैं, तो कितना परसेंट ज्यादा है? 25% ज्यादा है. बोल रहा है ये आधा है, ये आधा है. किसका आधा है? 50 का आधा है, 50% का. तो किसका आधा है? बोल रहा है कि भाई जितने SSC वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो IBPS PO वाले से जितना परसेंट ज्यादा होंगे उसका आधा है. तो भाई अगर ये 50% ज्यादा है SSC वाले, तो इससे 50% ज्यादा मतलब कितना होता है भाई? 1500 होता है, तभी तो 50% होगा. तो बस 1500 आपका आंसर आ गया SSC वाले. अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया हूं भाई, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी बनाओ. अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया. अब लगातार अच्छे DI आ रहे हैं. अरे तो PO लेवल का भी तो करवाना रहता है ना, ऐसा नहीं है कि प्री वाले ही करवाते रहो बस. मतलब सिर्फ क्लर्क वाले करवाते रहो, PO के भी करो. PO और क्लर्क दोनों के करने हैं ना आज. लेकिन लोग कम है, 600 लोग हैं मात्र. नॉर्मली 1000 लोग होते हैं. कल एग्जाम में बोल के शायद नहीं आए बहुत लोग आज. हाँ, PO प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है. SBI PO, IBPS PO.
सनी जी कैसी हड़बड़ी? एस बी आई पी होगा, रीजनिंग पार्ट डन समझे, कर सकते हो। चलो बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे हैं, वही मैं सोच रहा हूँ इतनी देर हो गई यार आंसर क्यों नहीं निकाल पा रहे, देखते हैं। देखो क्या बोल रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन आर आर बी पी ओ एग्जाम इन ऑल स्टडी प्लेटफॉर्म, तो आर आर बी पी ओ वाले आपको ये पूरे टोटल करने पड़ेंगे, ये टोटल जो भी आएगा इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन 300% ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन एस बी आई पी ओ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन आई बी पी ओ पी ओ इन ऑल द स्टडी प्लेटफॉर्म टुगेदर। तो क्या बोला है, 300% ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन एस बी आई पी ओ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन आई बी पी एस पी ओ, तो एस बी आई और आई बी पी एस पी ओ वाले का आपको डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, तो बेस वैल्यू लेकर क्यों नहीं किए, इतना क्या टाइम लगा रहे थे भाई आप? आई बी पी एस पी ओ को बेस वैल्यू मान लो 640, 340 से कितना ज्यादा है, 300 ज्यादा है, 1,750 से कितना ज्यादा है, 250 ज्यादा है, 1,720,780 से कितना ज्यादा है, 280 और 20 यानी कि 300 ज्यादा है। एक मिनट देख लेते हैं, 780 से 880, 980 नहीं गलत कर दिया मैंने, 220 और 20 40, 240 होगा, तो 240 ज्यादा है। ये वाला देखो 390 जो है वो 1435 से कितना कम है, कम दिख रहा है ना, तो माइनस का साइन लगाओ पहले। अब देखो इसमें अगर मैं 390 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 45 यानी 1045। ये 180 जो है वो 475 से कितना कम है, 295 कम है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको ये देखना है कि भाई ये 295 से अगर मैं इसको काटता हूं तो यहां पर प्लस 5 बच रहा है, भाई 300 में 295 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 5 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर देखो ये माइनस 1045 है तो ये तीन को पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 490, 5 यानी कि 495। ये पहले तो डिफरेंस निकाल लो, 14 में 9 गया 5 बचा, 9 में 4 गया 5 बचा, 550 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये 550 क्या आया, डिफरेंस आया, ये 550 क्या आया, डिफरेंस आया, ठीक क्लियर है। यहां पर 550 डिफरेंस आपका आ चुका है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का। अब आपको क्या बोल रहा है कि भाई इनके डिफरेंस का 300%, तो इसका 300% मतलब क्या होगा, इंटू तीन, भाई 300% का मतलब क्या होता है, 300 डिवाइड बाय 100, 2020 कट गया, मतलब इंटू तीन करना है ना, तो तीन से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या था, ये पूरा जो टोटल है इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस, कितना कम या ज्यादा है, तो इसको पहले टोटल कर लेते हैं भाई कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 7, 17, 18, 19, 20, 36, 26, 26 और 8 यानी कि 34, तो ये हो गया आपका 3400, यहां मैं लिख लेता हूं। उसके बाद देख लेते हैं 4, 5, 6, 7, 70, 5, 5, 10 यानी कि 80, तो ऐड करेंगे इसको हो जाएगा 3480। तो बस आपको ये बोला ये 3480 जो है वो इस 1650 से कितना ज्यादा है, 16 दुना 32 होता है, 16 दुना 32 होता है, 200% दिख रहा है आपको, अगर ये 200% दिख रहा है मतलब लगभग 100 के आसपास होगा, मतलब 100 से तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। जस्ट आप इसका डबल करके देखो, जस्ट आप इसका डबल करके देखो कितना होता है 1650 का, जस्ट डबल, 16 दुना 32 और ये 3300 के आसपास हो जाएगा,
मतलब अगर 3300 होता तो हम बोलते 100% ये आंसर होता, पर 3300 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तो 100 से थोड़ा ज्यादा ये आपका आंसर बनेगा। तो 111 वाले लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। अगर आपने तरीका अप्लाई किया है बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। जल्दी बनाओ, नितिन पांडे 300% लिखा है तो भैया 550 का 300% कितना होता है? लकी गुप्ता वॉइस मैसेज आया तो था, कल रात को भी आया था, डिलीट हो गया गलती से, कल वाला वॉइस मैसेज डिलीट हो गया मुझसे, मैं मैसेजेस डिलीट कर रहा था तो साथ में वो भी सिलेक्ट हो गया। देखो क्या बोल रहे, इन स्टडी नीति इफ एवरेज नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन ऑल फोर एग्जाम्स आर आरबीपीओ एसबीपीओ रेलवे एंड आईबीपीएस पीओ 775, चार एग्जाम का अगर एवरेज 775 है तो भाई मान लेते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये होता है एवरेज, ऐसे निकालते हैं हम। तो अगर ये 775 है तो इन सभी का टोटल हम बोल सकते हैं कि चार को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, बोल सकते हैं। तो 7 × 4 = 28 और ये 3100 हो जाएगा टोटल, मल्टीप्लाई करोगे 3100 आ जाएगा, करके देख लो भाई, 7 × 4 = 28 और 300 यानी 3100। अब क्या बोल रहा है आपको, देन फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन रेलवे एग्जाम। भैया सिंपल सी चीज है, ये तीन को ऐड करो और इसमें माइनस कर दो आ जाएगा। तो ये तीन को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 10, 7, 17, 17 और 7, 24, तो 2400 तो यही हो गया, बचा कितना 40, 80, 40, 120 और 140, तो 2540 स्टूडेंट्स को आप इसमें माइनस कर दो तो जो बचेगा वो आपका आंसर 600 में 40 कम करो यानी कि 560 आपका आंसर खत्म। देखो कैलकुलेशन के तरीके अच्छे होने चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज। अगर आपके कैलकुलेशन के तरीके अच्छे नहीं है, जैसे कि भाई 775 इंटू 4 करने का तरीका क्या है, आप 750 को आप मल्टीप्लाई कर लो 4 टाइम, आपको पता है अभी 750 1500 होता है, 1500 3000 होता है, तो अगर 750 इंटू 4 करेंगे तो सीधा सीधा 3000 तो दिख रहा है, 750 से कितना और ज्यादा है 25 इंटू 4 100 होता है, 3000 में 100 ऐड कर दो 3100। कैसे कैसे सवाल कर रहे हो यार आज आप लोग, एकदम बिना पढ़े टॉप कैसे करें, कैसे कर धीरे वो। अभी मैं समझा नहीं रहा हूं ना, आप लोग बनाइए, मैं उसके बाद समझाऊंगा।
सिर्फ बिट्टू कुमार ने आंसर दिया है, फिर अब मौमिता का आंसर आ गया है, साहिल का आंसर आ गया है, और अब बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। सभी का आ गया 1950। देखो क्या किया यार मैंने, देखो इतने पूरे जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए ना, वही चीज मैं समझाने के लिए ये किया कि मैंने लिखा कितना, मैंने क्या क्या पेज पे लिखा है, वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। अब 420 का 2x3 लिखने की जरूरत होती है क्या? 28 होता है, सिंपल सी बात है भाई। 42 का 2x3 कितना होता है? 28 होता है, सीधा सीधा। तो लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं होती, ओरली सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। करना क्या था इसमें दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन रेलवे फ्रॉम ऑलिव बोर्ड इज 33। रेशियो नहीं होगा दोस्तों, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है यार लैंग्वेज थोड़ी खराब है, कैंडिडेट्स इन रेलवे फ्रॉम ऑलिव बोर्ड इज 33.33% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ इन ऑलिव बोर्ड। बोल रहे आरआरबी पीओ में सिलेक्ट होने वाले यहां पर जितने भी लोग हैं, इससे 33.33% कम करना है। तो भाई 420 से 33.33% मतलब क्या होता है? 1/3। अगर मैं इसका 1/3 देखूं तो 14 1/4 0 होता है, 14 3 42 होता है ना, 14 3 42, मतलब मुझे ये पता है हाँ 140 इसमें से कम करना है। तो अगर 140 इसमें कम करूंगा तो कितना आता है? 280। तो इतने बच्चे रेलवे वाले हैं, और क्या बोल दिया आपको, 270 जो है वो एसएससी वाले हैं। तो टोटल बताओ, टोटल बताओ। तो भैया ये तीन को ऐड करो और ये दोनों को ऐड करो, खत्म हो गया, आंसर आ गया। ये तीन को ऐड करोगे, 6 4 10 3 13, और ये 14, 1400, और इसको देखोगे तो 2 2 4 5, 550, 1400 और 550 मतलब 1950। ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। मैं आंसर आप लोगों को बस बता देता हूं। ठीक है, और इसके बाद फिर खत्म करेंगे क्लास को। 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन आरआरबी पीओ फ्रॉम ऑल स्टडी प्लेटफॉर्म टुगेदर आर सिलेक्टेड, एंड 80% ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन एसबीआई पीओ एंड ऑल स्टडी प्लेटफॉर्म टुगेदर आर सिलेक्टेड, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आरआरबी पीओ एंड एसबीआई पीओ टुगेदर। आरआरबी वाले में 75% लोग सिलेक्ट हुए हैं और एसबीआई वाले में 80% लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको इसका पूरे का 75% निकालना है। क्या करोगे भाई, इसका पूरा टोटल कर लेते हैं। तो इसका पूरा टोटल हमने पहले किया हुआ था, देख लेते हैं यहाँ पर इसका पूरा टोटल। चलो मैं फिर से कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 4 10 7 17 नहीं 10 15 15 और 10 25 25 और 9, यानी कि 3440 50 60 70 80 इसमें ऐड करेंगे तो 3480 हो गया। इसका 3/4 निकाल लेंगे। इस वाले का टोटल कर लो कितना हो जाएगा भाई, आप लोग खुद करिए, ठीक है, खुद करिए आप लोग। 7 3 10 7 17 18 19 20 20 और 15 35। इसके बाद 7 3 10 7 17 21 21 10 31 34 35, ठीक है। उसके बाद फिर 7 3 10 8 18 18 5 23 4 27 और 10 यानी कि 28। ये आपको निकालना है दोस्तों, और ये आपको निकालना है, दोनों को ऐड करना है। क्या स्टक स्टक कर रहे हैं भाई, क्या रुक गया, देखे देखा जाए, रिफ्रेश कर लो यार। सही तो चल रहा है यार। तो ये देखो दोस्तों, इसको अगर 4 से मैं काटता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 7 चौक 28 0। 870 का 3 गुना मतलब कि 8 3 24 7 3 21, ठीक है। इस वाले को करते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 5 7 35 5 5 25 5 6 30। 756 का 4 गुना, 750 का 4 गुना कितना होता है, 3000। 6 का 4 गुना कितना होता है, 6 चौक 24 मतलब कि 3024।
बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार? 9-3 देखो सही तो चल रहा है। नाइन थ्री सिक्स फाइव आंसर सही है मेरे ख्याल से, मैंने कुछ गलती कर दी होगी। रुक जा रहा है वीडियो, चलो कोई बात नहीं, इसको आप लोग होमवर्क बना लीजिए दोस्तों, रुक भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। खत्म करते हैं क्लास को यहीं पर, ठीक है? आखिरी का पोर्शन आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी छूट गया आप लोगों का। तो इसका आंसर आ रहा है 9365, यही आ रहा है ना? आ रहा है ना? हाँ, तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन आरआरबी पीयू फ्रॉम ऑल स्टडी प्लेटफॉर्म टुगेदर आर सिलेक्टेड, 80% ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन एसबीआई पीयू इन ऑल स्टडी प्लेटफॉर्म टुगेदर आर सिलेक्टेड एंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आरआरबी पीयू एंड एसबीआई पीयू टुगेदर। मैंने क्या कर दिया था, मैंने उसका निकाल दिया था परसेंटेज, जबकि उसको क्या करना चाहिए था, हमको 3/4 नहीं करना था। जब इसको पूरे को टोटल किए थे तो जो भी वैल्यू आई थी हमारी, उसको आपको 3/4 नहीं करना था, उसको आपको 4/3 करना था, उसको आपको 4/3 करना था, क्योंकि हमको निकालना है टोटल। ठीक है, क्या गलती हुई थी एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। इसको टोटल बार बार करना पड़ रहा है यार, मैं भूल जा रहा हूं क्या वैल्यू थी। 6, 4, 10, 17, 17 और 8 यानी कि 25, 9, 34, 34, 180 बोल रहा है कि ये जो सिलेक्टेड है ना, ये 75% है, तो टोटल निकाल लो। तो हमको 100% चाहिए, जिन्होंने एनरोल किया था, मतलब पेपर देने गए थे पर फेल हो गए, तो भाई हमको ये निकालना है, तो इसलिए 3/4 करना था। मैंने 4/3 इसको करना, आपको 4/3 था, मैंने 3/4 कर दिया था, तो मेरा आंसर मत दिखेगा वो गलत आ रहा था। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1160 1160 यानी कि 11 चौक 44 6 चौक 24 46 140, ये आएगा आपका पहले वाले का। दूसरे वाले का आप टोटल निकालो, और उसका क्या करना है भाई आपको, जो मैंने क्या किया था, मैंने किया था 4/5 80% के लिए, आपको 4/5 नहीं, आपको 5/4 करना है। ठीक है, जो मैंने डिवाइड किया ना, जो भी टोटल आएगा उसका 5/4 कर दो, वैल्यू आ जाएगी, इसमें ऐड कर देना। बड़ा सिंपल है, गाना लगाना था और कुछ नहीं। 2200 वाले को क्लियर कर दो। अरे कुछ नहीं क्लियर करना है, उसमें क्या क्लियर करना है, सब्सक्रिप्शन मॉडल बंद कर रहा हूं। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे से अब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद पाएगा कुछ समय के बाद, अभी तो चलेगा कुछ दिन तक, लेकिन उसके बाद मैं उसको बंद करने का सोच रहा हूं। ऐसा मैंने सोचा है कि अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों को 2200 महंगा लग रहा है, कुछ लोगों का कहना यह है सर 2200 तो बहुत महंगा है, तो इंडिविजुअल कोर्सेस उनके लिए आएंगे। SBI PO का अलग से 1200 रुपए, 1100 रुपए, IBPS PO का अलग से 1100-1200 रुपए, मेंस लेवल DI का अलग से 300-400-500 रुपए, तो उनको वैसे कोर्सेस लेने हैं। बहुत लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आते रहते हैं, सर हमको सिर्फ रीजनिंग का चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज करके पूछते हैं कि सर आपका SBI PO का कोर्स कब आ रहा है और क्या प्राइस रहेगा। तो मैंने बोला 1400 अप्रॉक्स, मैंने बोला 1400 रहेगा। मैंने बोला सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें सारे कोर्सेस में नहीं सर, मुझे सिर्फ SBI PO वाला कोर्स चाहिए। तो ठीक है, ठीक है, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।